गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाई एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग। जैसा कि हम लोग अपने प्रोडक्शन की क्लास कर रहे थे, कल हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। आज जो हमें पढ़ना है, बस वेल्डिंग का एक थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, वेल्ड एबिलिटी, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं और फिर आज अपने वेल्डिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वेल्ड एबिलिटी। वेल्ड एबिलिटी हमारी क्या होती है, हमारी वेल्डिंग करने की एबिलिटी जो होती है। कोई भी हमारा वेल्ड बना रहा है वो अपने डिजाइनिंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले जब जो भी हम वेल्डिंग करें, ये हमारी वेल्ड एबिलिटी होती है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, वेल्ड एबिलिटी ये हमारी क्या होती है, हमारी मटेरियल की एबिलिटी जो जितनी जल्दी वेल्डिंग को कर ले और अपने डिजाइनिंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले। जो भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वो अपने डिजाइनिंग क्राइटेरिया को जितनी जल्दी फुलफिल कर लेगी। भाई लोगों, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। वेल्डेबिलिटी हमारी क्या होती है, कोई भी हमारी वो एबिलिटी मटेरियल की जो एबिलिटी की वो मटेरियल की वो एबिलिटी जो आसानी से वेल्ड हो जाए और अपने डिजाइनिंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले, क्या कहलाती है, हमारी वेल्ड एबिलिटी कहलाती है। ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, मेनली यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आता है कि फैक्टर पर, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो फैक्टर्स के डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है, फिजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, और आपका केमिकल फैक्टर और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर से इन द सेंस आपका क्या हो सकता है, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन से आप किस प्लेस पर रख के आप उसकी वेल्डिंग कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी डिपेंड करेगी। तीसरी चीज़ क्या बताई, केमिकल के लिए आप देख सकते हैं कि उसमें जो हमारी वेल्डिंग फॉर्म हो रही है, वेल्डिंग से हमारा कोई मतलब जो रिएक्शन वगैरह हैं, रिएक्शन है वो उनका रिएक्शन का इम्पैक्ट तो नहीं है कुछ मटेरियल पर, तो ये चीज़ें हमारी इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। कोई ऑक्साइड वगैरह फॉर्म तो नहीं कर रही है वेल्डिंग हमारी, इस चीज़ पर हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारी किस किस वेल्ड एबिलिटी जो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम किस इन्वायरमेंट में उसे रख के वेल्ड कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे क्या कहते हैं ओपनली एयर में रख देंगे तो उसमें ऑक्साइड फॉर्म होने लगेंगे, इस वजह से हमारी डिपेंड जो करेगी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी हमारी इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी हमारी डिपेंड करती है वेल्डिंग, ठीक है। अब हम लोग कोई मटेरियल वेल्ड कर रहे हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, बेसिकली इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी कि हमारा वेल्ड है कितना आसानी से वेल्ड हो पाएगा। क्योंकि हम लोग फ्यूज़न वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हीट का यूज़ करते हैं, तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट तक अपने टेम्परेचर को
पहुंचाते हैं, उसके बाद ही हम अपनी चीज़ों को बिल्ड कर पाते हैं। तो ये और तीसरी किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है, तीसरी डिपेंड कर सकती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, इस पर डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तीसरे किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है, तीसरी हमारी बिल्डिंग एबिलिटी जो है, चौथी हमारी बिल्डिंग एबिलिटी किस पर डिपेंड कर सकती है। अब आपने बिल्डिंग की, आपने आपका जो भी वर्क पीस है उसको हीट किया, अब हीट किया उसके शेप एंड साइज में चेंजेस कुछ हो रहे हैं, शेप एंड साइज में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी। आपने वेल्डिंग की, वेल्डिंग आपकी किसी अपने शेप और साइज़ पे डिपेंड करेगी, वेल्डिंग अपने शेप और साइज़ पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, चौथा जो आपका हो जाएगा या ये हो जाएगी कि वो थर्मल, आपने वेल्डिंग किसी की, वेल्डिंग किसी मटेरियल की किया, उसमें कितना एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कितना चेंज हो रही है, वर्क पीस की या मटेरियल की बोल लीजिए, वर्क पीस या मटेरियल की प्रॉपर्टीज में कितना चेंज हो रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ से आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो भी हम लोग जिस भी मटेरियल की वेल्डिंग कर रहे हैं उसका कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे भी डिपेंड करती है, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना भाई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और वेल्डिंग के क्वेश्चन करते हैं और हमारी वेल्डिंग जो है आज यहाँ पर एंड हो जाएगी। कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, कल से हम लोग कास्टिंग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आज हम लोग वेल्डिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, हितेश संदीप कमेंट करके बताओ, संदीप क्या कमेंट कर रहे हो, कार्बन, मैम थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दीजिए। हितेश का आंसर आया, देखते हैं, द बेल्ट हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, द बेल्डिंग प्रोसेस इन विच वेयर वायर इज यूज्ड, वेयर वायर हमसे यूज कह रहा है, वेयर वायर हम लोग यूज करते हैं और क्या करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोड, वेयर वायर को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, कॉमा ग्रेनुलर फ्लक्स इज यूज्ड एंड द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज बाई हाई स्पीड बेल्डिंग, जो बेल्डिंग ये प्रोसेस होती है ये हाई स्पीड बेल्डिंग की प्रोसेस होती है, इस बेल्डिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अब हम लोगों ने क्या देखा था, वेयर वायर, दैट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूमर वायर के फॉर्म में हमारे पास होता था। ठीक है, दूसरी चीज़ हमसे क्या बोल रहा है, ग्रैनुलर फ्लक्स बोल रहा है, तो इसमें क्या ग्रैनुलर फ्लक्स के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते थे, हम लोग यूज़ करते थे जो चूना होता है या हमारा CaF2 होता है, इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते थे, ये हम लोग किस बेल्डिंग में यूज़ करते थे, और ये बेल्डिंग बहुत हाई स्पीड की बेल्डिंग होती थी, ये सारी प्रॉपर्टी जो जिस बेल्डिंग के अंदर होती थी वो हमारी सबमर्ज्ड आर्क बेल्डिंग होती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी नहीं होगा हितेश,
ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सौरभ का आंसर सही है। भाई लोगों एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक आपकी स्क्रीन पे है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। सौरभ का आंसर आया, देखते हैं हमसे क्या बोला। ड्यूरिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ऑफ अ एल्यूमिनियम इंप्रूव्ड रिमूवल सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल इज ऑब्टेंड विद टिपिकल पोलैरिटी ऑफ। इसमें हमसे बोला है, कि जो हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में होता हम लोग यूज करते हैं सरफेस की ऑक्साइड को बेस मेटल से अलग करने के लिए, हम लोग किस पोलैरिटी का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारी जो रिवर्स पोलैरिटी होती है, उसमें हमारे क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो 2/3 हीट जनरेट करता है और हमारा जो वर्कपीस होता है ये 1/3 हीट जनरेट करता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रोड की तरफ ऊपर की तरफ मूव होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हमने बोला था कैथोडिक क्लीनिंग। कैथोडिक क्लीनिंग हमारी किस लिए यूज़ होती है, ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए बेस मेटल से। तो हमारा यहां से जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। रिवर्स पोलैरिटी में हमारी ऑक्साइड रिमूव होते हैं, रिवर्स पोलैरिटी में हमारे बेस मेटल से हमारे ऑक्साइड जो होते हैं रिमूव होते हैं, ये होता है हमारा, ठीक है। और हमारा अगर स्ट्रेट पोलैरिटी होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी में हम लोग कैथोडिक क्लीनिंग नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर बेसिकली यही पूछा है कि सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल, रिमूवल ऑफ द सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्यों वैसे हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग बेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी भी यूज कर सकते हैं या फिर AC यूज करते हैं, यही तो यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में। लेकिन इसने बोला क्या है, कैथोडिक क्लीनिंग हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सौरभ, हितेश? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिस्ट वन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। ये आपके नीचे कोड्स लिखे हुए हैं, आप लोग यहीं पर से आंसर दे सकते हैं तो यहीं से दे दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सौरभ, हितेश, चलिए चलिए देखते क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। हमसे बोल रहा है हमारे पास दो लिस्ट दे रखी हैं, दो लिस्ट हमारे पास दे रखी हैं, हमारे पास दो लिस्ट हमें दी हुई हैं। एक तरफ हमें बिल्डिंग बिल्डिंग की प्रोसेस दी हुई है, दूसरी तरफ हमें बिल्डिंग के मतलब उस बिल्डिंग से क्या टाइप करते हैं ये दिया हुआ है। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है। सौरभ का आंसर आया है, सौरभ का आंसर आया है, देखते हैं सौरभ का आंसर सही है कि गलत है। हमारी लेज़र बीम बिल्डिंग, लेज़र बीम बिल्डिंग दी है, इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग दी है, अल्ट्रासोनिक बिल्डिंग दी है और फ्रिक्शन बिल्डिंग दी है। ये हमारी चार बिल्डिंग दी हैं और हमें चार टॉपिक दिए, चार हमें दूसरी लिस्ट में दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए। अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट लिस्ट टू को। कैन बी अप्लाइड वेल्डिंग फॉर रिफैक्ट्री मटीरियल लाइक निकिल, टॉन्टलम, मॉलिबेडनम एंड टंगस्टन। ये हमसे बोला है जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो इन प्रोसेस की करते हैं, मॉलिबेडनम की करते हैं, टंगस्टन की करते हैं, नॉबडियम की करते हैं। ये प्रोसेस जो रिफैक्ट्री मटेरियल्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग किस वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं? ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं अपनी, ये हम लोग जो यूज़ करते हैं ये हमारी यूज़ होती है अल्ट्रासोनिक के लिए, अल्ट्रासोनिक के लिए। तो यहाँ से अपने कोड भी लिखते चलेंगे, ए बी सी डी। जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, सी में है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन ये सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अ साउंड एंड अ क्लीन ज्वाइंट इज क्रिएटेड ड्यू टू रविंग ऑफ टू पार्ट अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर विद एडुकेट स्पीड एंड प्रेशर प्रोड्यूसिंग इंटेंस हीट रेजिंग टेम्परेचर अबव मेल्टिंग क्रिएटेड मच वे फ्रॉम जॉब। इसमें हमसे क्या बोला है, हम लोग जो हमारे मटीरियल हैं उनको हम लोग रफ करवा रहे हैं, रफ करके वेल्डिंग जो प्रोसेस हो रही है वो हमारी किस में होती है? तो ये हमने पढ़ा था कि हमारे फ्रिक्शन वेल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, दो पार्ट्स को रखते हैं, दो वर्क पीसेस को रखते हैं और उनको प्रेशर भी लगाते हैं और उन पे हम लोग एक पार्ट को, एक पार्ट हमारा क्लैंप रहता है, दूसरा पार्ट हमारा रोटेट करता रहता है और प्रेशर लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन, जो हमारे जो पार्ट रोटेट कर रहा होता है उसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और वो अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, उसके बाद प्रेशर लगा के हम लोग उसे वेल्ड कर लेते हैं। ये हमारा बोल रहा है फ्रिक्शन वेल्डिंग में, यानी मतलब हमारा डी क्या हो जाएगा, टू, फ्रिक्शन वेल्डिंग हमारा डी है, स्टेटमेंट टू। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास है क्लीन हीट सोर्स, क्लीन हीट सोर्स, यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा। अब चौथे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, चौथा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है क्लीन हीट सोर्स वेरी क्विक हीटिंग वेरी स्मॉल फोकल स्पॉट नो वैक्यूम चैम्बर इज रिक्वायर्ड, नो वैक्यूम चैम्बर इज रिक्वायर्ड। अब इसमें हमसे ये बोला है, अब हमने कल इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पढ़ी थी तो उसमें क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हमें वैक्यूम चैम्बर रिक्वायर होता है और लेज़र बीम वेल्डिंग में हमें वैक्यूम चैम्बर रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा लेज़र बीम वेल्डिंग के लिए, फोर्थ स्टेटमेंट बचा हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए। तो हमारा जो सही
आपसे बोलेंगे सीक्वेंस होगा 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपका है 4-3-1-2, यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सौरभ, सौरभ गलती की हो, सौरभ गलती की हो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोगों की स्क्रीन पे है। ऋतुराज का आंसर आया, देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस द कॉमनली गैस हम लोग जो यूज करते हैं, इनर्ट गैस में हम लोग बेसिकली कौन सी गैस को यूज करते हैं। इनर्ट गैस में हमें पता है कि हम लोग हीलियम, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली यूज करते हैं। वैसे हम लोग नोवेल गैसेस को एज अ इनर्ट गैस यूज कर सकते हैं, बट हम इसमें हमसे पूछा है कॉमनली कौन सी गैसेस को यूज कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, हीलियम और ऑर्गन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सौरभ का सही आंसर है, ऋतुराज का सही है, हितेश गलत आंसर है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपका एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ये एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में बता देता हूं आपको, पहला जो ऑप्शन होगा इसमें एसर्सन भी सही होगा आपका और रीजन भी सही होगा, और जो आपका रीजन है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो होगा आपका, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, रीजन भी सही, रीजन भी आपका सही, जो होगा आपका रीजन होगा इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तीसरा जो आपका ऑप्शन होगा, तीसरा जो आपका ऑप्शन होगा, इसमें आपका रीजन असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा, यह आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। और यहां से आपका चौथा जो ऑप्शन आएगा, इसमें आपका असर्शन गलत होगा और रीजन सही होगा, रीजन सही होगा। और यूपीपीएससी एई में आपके असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। देखो इसमें हमसे बोला है, असर्शन हमें दिया है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एंड बेयर इलेक्ट्रोड इंस्टीड ऑफ फ्लेक्स कोटेड इलेक्ट्रोड इज यूज इन केसेस, इन केस ऑफ ऑटोमेटिक टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग प्रोसेस। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग टीआईजी और एमआईजी को शील्डिंग के, शील्डिंग गैस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हमसे बोला है कि हम लोग इसे ऑटोमेटिक टीआईजी और एमआईजी में प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा, असर्शन हमारा सही है। रीजन क्या बोल रहा है, रीजन हमसे बोल रहा है बेटर प्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड बाई क्लाउड ऑफ इनर्ट गैसेस, हमसे बोल रहा है बेटर प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा हमें इनर्ट गैसेस से, ठीक है। इनर्ट गैसेस से हमें बेटर प्रोडक्शन मिलेगी, द कवर क्रिएटेड बाई फ्लक्स, हमसे ये बोल रहा है कि इनर्ट गैसेस से हमें जो भी प्रोडक्शन मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, जो हमारी फ्लक्स कोट, फ्लक्स की कोटिंग की जाएगी। तो यहाँ से हमारा रीजन भी सही है, और दोनों स्टेटमेंट में हमारे दोनों स्टेटमेंट जो रीजन है हमारा असर्शन से ही मिलता जुलता है, मिलता जुलता है, और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसी के बारे में हमसे रीजन हमारा कह रहा है, इसी के बारे में रीजन हमसे बात कर रहा है और रीजन भी सही है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें लिस्ट वन वेल्डिंग प्रोसेस, लिस्ट टू एप्लीकेशन। एक लिस्ट में हमें वेल्डिंग प्रोसेस दी हुई है, दूसरी लिस्ट में उसके एप्लीकेशन दिए हुए हैं। अब हमसे पूछ रहा है, आंसर हमें बताना है। अब हम लोग लेजर वेल्डिंग जो है कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं, और एक्सप्लोजिव वेल्डिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम लोग लेज़र वेल्डिंग करते हैं, लेज़र वेल्डिंग हम लोग करते हैं, लेज़र वेल्डिंग हम आप नहीं करते हैं, जो हमारे मटेरियल होते हैं थिन मटेरियल होते हैं उनके लिए करते हैं। लेज़र वेल्डिंग हम वेरी थिन मटेरियल्स, यानी मतलब ऑप्शन नंबर 5 यहाँ से एक हो जाएगा। फ्रिक्शन वेल्डिंग हम लोग किस कब कहाँ पे करते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग हम लोग करते हैं कि रॉड्स को जोड़ने के लिए करते हैं, और रॉड्स हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 वेल्डिंग अ रॉड टू अ फ्लैट सरफेस। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए तीसरा। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हम लोग पता है कि डेलिकेट मेटल्स के लिए, रिफ्रैक्टरी मेटल्स के लिए जरा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है पहला। अब यह तीसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया, पांचवा हो गया, बच्चा कौन कौन सा, पहला दूसरा। पहला लार्ज शीट के लिए इसमें नहीं करेंगे, रिपेयरिंग ऑफ लार्ज पार्ट इसके लिए भी नहीं करेंगे। तो बच्चा कौन सा, चौथा, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। तो हमारा अल्ट्रासोनिक के लिए हो जाएगा फोर्थ, अल्ट्रासोनिक के लिए हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ से हमारा ये भी हो गया। अब हमसे क्या बचा, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग जो हम लोगों ने बताई थी, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हम लोग ये हाई थिकनेस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, हाई थिकनेस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, और लार्ज प्लेट की जो वेल्डिंग होती है वो एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के थ्रू हम लोग अपनी कर लेते हैं, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग के थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 3 4 3 5 5 3 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अभिषेक वर्मा, ESC का फॉर्म अभी नहीं आया है, ESC का फॉर्म इस बार प्री कब पहुंचा है, प्री पहुंचा है 18 जुलाई के आसपास, तो फॉर्म आएंगे लगभग मार्च या अप्रैल में। भाई एक बार सेशन को लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ग्रे कास्ट आयरन इज यूजली वेल्ड। ग्रे कास्ट आयरन की जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन की जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो हम लोग करते हैं अपनी गैस वेल्डिंग के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके जरूर आएंगे UPSCAE में, वेल्डिंग से एक न्यूमेरिकल आपका आना ही आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ऋतुराज का आंसर आया है। देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हमसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर अ स्पॉट वेल्डिंग ऑफ 1 mm थिक शीट, हमें जो थिकनेस दे रखी है 1 mm दे रखी है, ठीक है, विद अ करंट फ्लो टाइम, फ्लो टाइम हमें जो दे रखा है करंट का वो 0.2 सेकेंड हमें करंट का टाइम दे रखा है। द हीट जनरेटेड इज, हीट हमें दे रखी है जनरेट जो हमारी कर रही है 1000 जूल हो रही है। द इफिशियंसी ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमारा दे रखा है R, वो हमें दे रखा है
200 माइक्रोन ओम द करंट रिक्वायर्ड हमसे पूछा है। अब यहाँ पे हमें हीट सप्लाइड दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है एच हीट सप्लाइड का आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पर जो टी है ये टाइम है, यहाँ पर जब आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपका एच एस दे रखा है 1000, ठीक है, और क्या दे रखा है आई स्क्वायर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, और आर आपको दे रखा है 200 माइक्रोन ओम। तो 200 माइक्रोन को जब चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स से आप लोग इसको वो कर लेंगे, इधर से दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, इसको इधर लिख लेते हैं, देखते हैं। हमसे क्या बोला है एच एस हमारा दे रखा है 1000, आई स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, आर को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 200 माइक्रोन ओम दे रखा है, 200 माइक्रोन ओम को जब हम लोग चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और क्या दे रखा है टाइम दे रखा है 0.2 सेकेंड। जब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, बाकी इसकी कैलकुलेशन करके बताइएगा। सही है, 5000 आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर जो सही है ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बस इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर अभी तो भाई प्रोडक्शन स्टार्ट किया हूं, अभी तो प्रोडक्शन चल रहा है, कल से कास्टिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो मैकेनिक्स सोम और प्रोडक्शन और FM, चलिए सौरभ का आंसर आया है। क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग हमसे क्या बोला है, पोटेंशियल ऑफ आर 20 वोल्ट, यहां पे हमें 20 वोल्ट दे रखा है, करंट ऑफ 200 एम्पियर, द ट्रेवल स्पीड हमें दे रखी है यहां पर 5 mm/s, द क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है 20 mm², द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग हीट हमें दे रखी है, मेल्ट के लिए हमें इतनी हीट को रिक्वायर है, द हीट ट्रांसफर इफिशियंसी, हीट हमारी इतनी ट्रांसफर हो रही है, 85% हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, द मेल्टिंग इफिशियंसी हमसे पूछा है, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं, मेल्टिंग इफिशियंसी के लिए हमने पढ़ा था जो हमारी मेल्ट के लिए हीट जरूरत है और हमें हीट सप्लाइड जितनी हम लोग कर रहे हैं इसका जो रेशियो होता है ये हमारा मेल्टिंग इफिशियंसी होता है। अब HS की बात आई, हीट सप्लाइड की बात आई, अब हम हीट सप्लाइड कैसे निकालें, हीट सप्लाइड के लिए अभी हमने फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में देखा था I²RT होता है, जहाँ पे हमें करंट रेजिस्टेंस और टाइम दिया हो, यहाँ पर तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो चलो इसको एक तरीके से हीट सप्लाइड तुम लोग और दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, वो देख लो, समझ लो पहले। जैसे तुम लोग ये तुम्हारा कोई वर्कपीस है, ये कोई वर्कपीस है, ठीक है, ये हम लोग बेल्ट ज्वाइंट अपना ये वाला बना रहे हैं, बेल्ट ज्वाइंट हमारा
ये बन रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये क्या होगा, इसमें हमारे पास ये कुछ प्लेट की थिकनेस होगी, ये हमें प्लेट की कुछ थिकनेस दी होगी, ये हमें प्लेट की कुछ थिकनेस दी होगी, ये हमें विड्थ दी होगी कुछ, ये इसकी विड्थ दी होगी, ठीक है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एरिया दे दिया या फिर आपको दे देता बेल्ट की विड्थ और थिकनेस, तो एरिया के लिए यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाता है, एरिया आप जो निकालेंगे एरिया के लिए आपका बी इंटू टी, बी इंटू टी मतलब जितनी बेल्ट है बेल्ट की और कितनी थिकनेस है बेल्ट की, कितनी थिकनेस है बेल्ट की, कितनी थिकनेस है आपके मटेरियल की वो, और कितनी वेट है। आपने ये निकाल लिया, एरिया निकाल लिया है, एरिया आपका हो गया। एरिया के बाद क्या, एरिया के बाद आपकी क्या क्या बात आती है, एरिया के बाद ये आपकी वेल्डिंग स्पीड, चाहे आप अपवर्ड वेल्डिंग करें या फिर आप डाउनवर्ड वेल्डिंग करें, यहाँ पर जो आएगी आपकी वेल्डिंग स्पीड आएगी, वेल्डिंग स्पीड आएगी, वेल्डिंग स्पीड आएगी। बस ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है आपको। चलिए देखिए, इस जब ये हमें केस दिया होता है तो इस केस में हमारा एच एस देखिए कैसे निकलता है। एच एस हमारा जो होता है, यहाँ से एच एस जो हो जाएगा, हीट सप्लाइड जो हमारा हो जाएगा, हीट सप्लाइड हो जाएगा, हम लोग कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना करंट दे रहे हैं, ये हमारा हो गया, कितना वोल्टेज दे रहे हैं, कितना करंट दे रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद हमारा एरिया क्या है, कितना एरिया में हम लोग, कितने एरिया को हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, इनटू इनटू किस स्पीड से कर रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं, किस वेल्डिंग स्पीड से कर रहे हैं, इसके पूरे में, इसके पूरे में मल्टीप्लीकेशन कर दो, तुम्हारी जो भी तुम्हारी थर्मल ट्रांसफर इफिशियंसी है, जो तुम्हारी ट्रांसफर इफिशियंसी है या थर्मल इफिशियंसी जो तुम्हें दे रखी है, उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, जो हीट ट्रांसफर इफिशियंसी है 0.85% है, तो इस केस में यह आपकी हीट ट्रांसफर इफिशियंसी, या फिर आप इसको, इसको आप लिख लीजिए एच टी, इसको लिख लीजिए एच टी, टी एच में कन्फ्यूजन हो जाएगा, टी एच में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपकी एच टी हो गई, ठीक है। आपकी हीट ट्रांसफर जितनी इफिशियंसी होगी या ट्रांसफर ऑफ हीट जितनी इफिशियंसी होगी, आप उसको लिख लेंगे यहाँ से। आपकी एच एस का ये दूसरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे भी आप स्टार लगा लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को, हमारा एच एस जो आया है, एच एस यहाँ से क्या आया है, यहाँ से हमें हमारे पास जो है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमसे क्या चीज़, हमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट मेल्टिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एच एम जो हमारे पास दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। एच एस निकालने के लिए बी आई, जो हमारा करंट है, वोल्टेज है वो 200 का है, और करंट हमारा 200 का है, वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट का है, ठीक है। एरिया हमें दे रखा है 20, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है वेल्डिंग स्पीड हमारे पास कितनी है, वेल्डिंग स्पीड हमारे पास है पॉइंट, वेल्डिंग स्पीड है 5 mm/s। इसमें हमारी हीट ट्रांसफ़र कितनी हो रही है, 0.85% हमारी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा 20 है ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये आपका 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारा 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 × 20 बचेगा, ठीक है। अब आपका ये कुछ बचेगा, आपकी जो बचेगा, इस चीज़ को कैलकुलेशन करिएगा क्या आ रहा है, जो आपका मेल्टिंग इफिशियंसी आएगी, ये क्या आएगी, आपका नीचे कुछ नहीं बचा, तो आपका क्या बचा, 1/4 × 0.85, आपका ये कुछ बचा है, इसको कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है, इस चीज़ को कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है,
कमेंट करके बता दीजिए इतना क्लियर है। ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा। आप लैपटॉप बंद हो गया था, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा था। ठीक है, तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें करंट वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, ठीक है, वेल्डिंग स्पीड हमें दी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, हीट जो हमारे मेल्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो दी हुई है, हमारी हीट ट्रांसफर इफिशियंसी दी हुई है, हमसे मेल्टिंग इफिशियंसी पूछा है। अब इस क्वेश्चन में हमें मेल्टिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग इफिशियंसी जो होती है हीट मेल्ट के लिए कितनी रिक्वायर्ड है और हीट सप्लाई कितनी कर रहे हैं, उसका रेशियो जो होता है हमारी मेल्टिंग एफिशिएंसी हमें देता है। ठीक है, अब बात आती है हीट सप्लाइड की, हीट मेल्टिंग, मेल्टिंग हीट हमें दे रखी है, ठीक है, और हीट सप्लाइड हमें यहाँ पे नहीं दे रखी, हीट सप्लाइड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे देखी थी, कैलकुलेट करी थी कैसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने आई स्क्वायर आर टी लगा के हीट अपनी कैलकुलेट कर ली थी। अब इसमें बात आती है इसमें नहीं दे रखी, तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इसमें अगर ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा वर्क पीस किसी भी विड्थ को किसी भी चौड़ाई को वेल्ड कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस हमारे पास दे रखी है, कुछ वेल्डिंग स्पीड है, थिकनेस दे रही, यहाँ पर डायरेक्ट एरिया दे दिया है आपको, एरिया दे दिया है और किस स्पीड से हो रहा है आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज अगर आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ से ये दे दे, सिर्फ आपसे कहे कि ये आपकी विड्थ है वेल्डिंग की और ये थिकनेस है, यहाँ पे आपको एरिया निकालना होगा, फिर एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, वेल्डिंग स्पीड से। तो यहाँ से हमारा जो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, करंट इंटू वोल्टेज आपका हो जाएगा करंट इंटू वोल्टेज अपॉन एरिया इंटू वेल्डिंग स्पीड, और पूरे के मल्टीप्लीकेशन में क्या कर देंगे, हीट ट्रांसफर, जो हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी इफिशियंसी को हम लोग कर देंगे। ठीक है, बस वैल्यू हमने रखी तो ये कैलकुलेशन आ रही है, इस कैलकुलेशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी, तो आपका जो आंसर आपका 29% के अप्रॉक्स आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा 29% के अप्रॉक्स आएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द प्रपोजन ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम लोग किस प्रपोजन में एसिटिलीन और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब हमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, अगर हमें जब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया होता है, फ्लेम का नाम नहीं दिया होता है, वहाँ पर हम लोग किसे कंसिडर करते हैं, नेचुरल फ्लेम को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या होता है, 1:1 का रेशियो होता है, 1:1 का रेशियो हमारा न्यूट्रल फ्लेम में होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, इसके भी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इसका पहला जो ऑप्शन होगा स्टेटमेंट वन करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू भी करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका जो है स्टेटमेंट टू जो होगा ये वन स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब बात करते हैं इसमें स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही रहेंगे और स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा ऑप्शन आपका होगा स्टेटमेंट वन आपका करेक्ट होगा, स्टेटमेंट टू जो है ये आपका इनकरेक्ट होगा। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन आपका गलत होगा और स्टेटमेंट टू आपका सही होगा। ये स्टेटमेंट है, इसका आंसर बताइए।
अभिषेक बामा का आंसर आ रहा है, देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्टेटमेंट वन पहला में देखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय कंटेनिंग 62% टिन एंड 38% लेड इस 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने कल पढ़ा था जिसमें 40% के अराउंड होता है हमारा लेड और 60% के अराउंड टिन होता है, वो हमारा कौन सा शोल्डर होता है, ये हमारा होता है सॉफ्ट शोल्डर, ठीक है। और सोल्डरिंग का हमारा टेम्परेचर कितना होता है, लेस देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमसे बोला है 327, यानी मतलब पहला ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट है, इस कंपोजिशन का हमें मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है, लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस अलॉय एनेबल्स टू डेलिकेट पार्ट्स ऑफ मेटल टू बी सोल्ड। अब हमारा सॉफ्ट शोल्डर जो होता है, वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वो हल्के मटेरियल्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉफ्ट शोल्डर में हमारा क्या होता है, 40% के आसपास लेड होता है और 60% टिन होता है। इसे हम लोग जो यूज़ करते हैं सॉफ्ट शोल्डर को, ये यूज़ करते हैं डेलिकेट मटेरियल्स के लिए, हल्के मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, और स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट टू का। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा, दैट मीन्स स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करेक्ट, और स्टेटमेंट टू जो होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा स्टेटमेंट वन का। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। ऋतुराज, सौरभ, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सॉफ्ट शोल्डर हम लोग कहां यूज करते हैं, डेलिकेट मेटल होते हैं उनको यूज करने के लिए, उनकी शोल्डरिंग करने के लिए हम लोग सॉफ्ट शोल्डर का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। भाई सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक कर दो सब लोग। अभिषेक भामा का आंसर आया, देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। द एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस, बिल्डिंग प्रोसेस की एडवांटेज हमसे पूछी है, क्या पूछा है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है, इट रिवील्स द जॉइंट फ्रॉम रेसिडुअल स्ट्रेस, ये तो हमारा कोई भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। इट हेल्प्स इन चेकिंग ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ वर्क पीस, बेल्डिंग में हम लोग कुछ ये करते हैं, ये भी कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेटल एंड अलॉय बोथ सिमिलर और डिसिमिलर कैन बी ज्वाइंट, ये हम बेल्डिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, हम लोग मेटल और एलॉय को, मेटल हमारा सिमिलर मटेरियल हो डिसिमिलर मटेरियल हो, इनको हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इन चीज की हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस चीज का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। आंसर आ रहा है सौरभ का डी है, अभिषेक भामा का ए है। देखते हैं क्वेश्चन, बेल्ड एबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है। आज जो हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक आपका वेल्डिंग में कल तक छूट गया था, तो ये टॉपिक आज कवर किया था, बेल्ड एबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल
प्रॉपर्टी पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे, मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, ये चार चीज़ों पर हमारी वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है। इसमें हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में हम लोगों ने लिखा भी था थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, सरफेस कंडीशन दैट मीन्स इन्वायरमेंटल कंडीशन डिपेंड करती है, माइक्रोस्ट्रक्चर दैट मीन्स मेटोलॉजिकल क्या चेंज आ रहा है इस पर भी डिपेंड करते हैं। यहाँ से आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। अभिषेक क्या हुआ अभिषेक? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सौरभ का आंसर आ रहा है, देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट वन हमें दे रखा है, अब इसका ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, आपका स्टेटमेंट वन जो होगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही होंगे, और जो स्टेटमेंट टू होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। स्टेटमेंट टू में दोनों सही होंगे बट स्टेटमेंट टू जो होगा स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। स्टेटमेंट थ्री जो होगा स्टेटमेंट वन सिर्फ सही होगा और स्टेटमेंट टू गलत होगा। चौथा ऑप्शन स्टेटमेंट टू सही होगा, स्टेटमेंट वन गलत होगा। क्वेश्चन अंदर लोग देखते हैं, स्टेटमेंट वन हमें दे रखा है द डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क इज इंटेंटेड पाथ इज कॉल्ड आर्क ब्लो। ठीक है, आर्क ब्लो हम लोग क्या, आर्क ब्लो की बात आ रही है, आर्क ब्लो हम लोग किसे बोलते हैं? आर्क ब्लो हमारा क्या होता है, आर्क ब्लो जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रोड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन्स की वजह से हमारी आर्क डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो बोलते हैं। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द चेंजेस ऑफ आर्क ब्लो इज कॉमन इन एसी आर्क वेल्डिंग। अब हम लोग क्योंकि आर्क वेल्डिंग, जो आर्क ब्लो हमारा होता है वो किस वेल्डिंग के अंदर होता है, हम लोगों ने लिखा भी था और समझा भी था कि इसमें क्यों होता है। डीसी वेल्डिंग में हमारा सिर्फ आर्क ब्लो जो होता है डीसी वेल्डिंग में हमारा होता है, क्योंकि हम लोग एक ही पोलैरिटी पे काम करते हैं, या फिर रिवर्स पोलैरिटी पे या स्ट्रेट पोलैरिटी पे। उस वजह से हमारा क्या फॉर्म होता है, उस वजह से हमारा आर्क ब्लो फॉर्म होता है मैग्नेटिक लाइंस की वजह से। तो हमारा स्टेटमेंट टू हमारा यहां से गलत हो जाएगा। दैट मींस इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभिषेक क्या लिख रहे हो, बेल्ट को हवा मारता है कोई, क्या कहना चाह रहे हो अभिषेक? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सौरभ का आंसर आ रहा है, देखते हैं सही है कि गलत है। क्या हमसे बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेल्डिंग प्रोसेस कंसिस्ट अ मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन। अब हीट अफेक्टेड जोन हमारा मिनिमम कहाँ बनेगा, जहां पर हमारी जो भी हम लोग बेल्डिंग प्रोसेस कर रहे होंगे वो जितनी ज्यादा पेनिट्रेट होगी एक पॉइंट पे लेके, उतना हमारा मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन मिनिमम बनेगा। एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होगी हीट हमारी, उतना हीट अफेक्टेड जोन हमारा कम बनेगा। और जहां पर हमारी हीट अफेक्टेड जो हमारी हीट है वो उसमें स्पैटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर हमारा हीट अफेक्टेड जोन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेनुलर रख देते हैं, उसके नीचे वेल्डिंग करते हैं, तो इसके अंदर भी हमारा हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा बनता है। लेजर बीम वेल्डिंग में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑप्टिकल लेंस लगा के फोकस करा के वर्कपीस पर एक पॉइंट पर हम लोग वेल्डिंग करते थे। यहां से जो हमारा ऑप्शन सही होगा लेजर बीम वेल्डिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेजर बीम वेल्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभिषेक, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग नहीं होगी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग नहीं होगी, लेजर बीम वेल्डिंग होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस की वजह से आर्क ब्लो क्रिएट होता है। अभिषेक, सौरभ का आंसर आ रहा है, क्या बोल रहा है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज फोकस्ड ऑन वेल्डिंग वेल्ड स्पॉट यूजिंग। हम लोग जब अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम लोग किन चीजेस का यूज करते हैं, किन लेंसेज का यूज करते हैं, बेसिकली फोकस कराने के लिए वर्क पीस पर। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम लोग जो यूज करते हैं, मैग्नेटिक लेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर ऑप्टिकल लेंस पूछ दे तो ये काय में यूज करते हैं, ये आपका यूज करते हैं लेजर बीम वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, लेजर बीम वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभिषेक, उसमें पूछा था मिनिमम हीट इफेक्टेड जोन और आपका यूएस आपका जो आप बोल बता रहे हो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में भी आपका हीट इफेक्टेड जोन बनता है, बट लेजर बीम वेल्डिंग में आपका बहुत मिनिमम बनता है, क्योंकि हीट इफेक्टेड जोन आप लोग वेल्डिंग जो करो एक ही कंसंट्रेट पॉइंट होकर करो। सपोज आपको ये वेल्डिंग करनी है, ये आपकी रे है, ये इस पॉइंट पर आ रही है, तो आपका हीट इफेक्टेड जोन बनेगा वो एक ही पॉइंट पर बनेगा, ठीक, तो आपकी ये वेल्डिंग होगी। बाकी आपका क्या होता है, जो आप लोग बाकी अदर प्रोसेस की वेल्डिंग करते हो उसमें आपकी हीट इफेक्टेड जोन ज्यादा बनता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। अब ऋतुराज ने सही लिखा है कि जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है ये सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग होती है, और इसमें तुम क्या करते हो, उसमें जो तुम्हारे वर्क पीस पे एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कराते हो, एक पॉइंट पर ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस लगाते हो, और उसको जो हमारा बोलते हैं वेल्डिंग जो पॉइंट होता है सिर्फ वहीं पर हमारी हीट कंसंट्रेट रहती है और वहीं पर वेल्ड होती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लेजर बीम वेल्डिंग वाला। इसमें हमसे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद हीट इफेक्टेड जोन। अब हमारा हीट इफेक्टेड जोन से क्या क्या जो होता है, क्या क्या हमारा फॉलो करता है। पहला दे रखा है कोल्ड क्रैकिंग, नॉट टफनेस, हाइड्रोजन एम्बिटरमेंट, और क्या दे रखा है, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। ये हमारे सब डिफेक्ट होते हैं हीट इफेक्टेड जोन की वजह से ये हमारे डिफेक्ट फॉर्म हो जाते हैं, जो हमारा वेल्डिंग मटेरियल होता है या वेल्डिंग वर्कपीस होता है उनके अंदर हीट इफेक्टेड जोन की वजह से ये फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हमारे डिफेक्ट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये तो बहुत छोटा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है ब्रेजिंग के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा, ब्रेजिंग के लिए हमारा कौन सा नॉट ट्रू है। अब हम लोगों ने ब्रेजिंग के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिलर मटेरियल हमारा कैसे एंटर करता है, फिलर मटेरियल हमारा ब्रेजिंग में कैसे एंटर करता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से एंटर करता है। और जो हमने ब्रेजिंग पढ़ी थी, अब यहां से क्वेश्चन एक बना सकता है ब्रेज वेल्डिंग का, ब्रेज वेल्डिंग में हमें जो फिलर मटेरियल हमारा एंटर करता है वो कैसे करता है, इसमें तो कैपिलरी एक्शन की वजह से करता है, लेकिन ब्रेज वेल्डिंग में जो हमारा
फिलर मटेरियल एंटर करता है वो किस वजह से करता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी के करता है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है, इट कॉजेज द मेटलॉजिकल डैमेज बाय फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है, ब्रेज वेल्डिंग में ये तो नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा जो फिलर मटेरियल होता है वो जो इंटर करता है वो हमारा इंटर किस बेसिस पे करता है, हमारा इंटर करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंटर करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। अभिषेक उसमें नॉट ट्रू पूछा था, ट्रू नहीं पूछा था। ऋतुराज का सही आंसर है, क्या बोल रहा है, द मेटल पाउडर यूज इन थर्माइट बिल्डिंग। थर्माइट बिल्डिंग में हमारा कौन सा मेटल पाउडर हम लोग यूज करते हैं, थर्माइट बिल्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम का मिक्सचर लेते हैं उससे बेल्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग जो पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं वो हम लोग एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। ऋतुराज का सही आंसर है, अभिषेक का सही आंसर है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द प्रिंसिपल मटेरियल यूज इन अ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग हमारा किसका, कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, लेड और टिन, लेड और टिन, लेड और टिन। इसमें कंपोजिशन भी देख लीजिएगा, अगर हमारा 40% लेड है, 40% लेड और 60% टिन होता है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट सोल्डर, ठीक है। अगर 50-50% की दोनों की है तो हम लोग उसे बोल देंगे मीडियम, ठीक है। जो हम लोगों ने जर्नली देखा है जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह के पास होता है उसमें क्या होता है, 60% लेड होता है और 40% क्या होता है, 40% उसमें टिन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन शोल्डर या फिर हार्ड शोल्डर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन शोल्डर या फिर हार्ड शोल्डर भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्लियर ना दिखेगा, नहीं दिखेगा शायद, लेकिन क्वेश्चन बता दो, कमेंट करके बता दो कि रिवर्स पोलैरिटी में जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा वर्कपीस कैसा होता है, रिवर्स पोलैरिटी में हमारा वर्कपीस कैसा होता है और हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी में हमारा इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, बस ये पूछा है क्वेश्चन में, रिवर्स पोलैरिटी में हमारा वर्कपीस कैसा होता है। सौरभ का आंसर सही है, सौरभ का आंसर सही है, अभिषेक का भी सही है, वर्कपीस नेगेटिव। क्या बोल रहा है हमसे, क्या हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है हमसे बोला इन केस ऑफ आर्क बेल्डिंग विद रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी की बात आई तो हमने बनाया ये वर्कपीस और एक इलेक्ट्रोड, वर्कपीस हमारा क्या हो जाएगा ये निगेटिव और इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। अब क्या बोला है, इलेक्ट्रोड इज केप्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव रोल हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ पर स्टेट पोलैरिटी की बात कर लेता है तो स्टेट पोलैरिटी में हमारा इलेक्ट्रोड नेगेटिव और वर्कपीस पॉजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। फ्लैट
फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, हीट यूज कर सकते हैं, प्रेशर यूज करते हैं, या फिर हीटर प्रेशर दोनों यूज करते हैं, या दोनों में से कुछ नहीं यूज करते हैं? किशन गलत आंसर है। देखिए फ्यूजन वेल्डिंग हमारी कौन सी वेल्डिंग होती है? फ्यूजन वेल्डिंग हमारी वही तो वेल्डिंग होती है, लिक्विड स्टेट की वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या कैसे 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 यूज करते थे? मेल्ट करके यूज कर सकते थे, मेल्ट करके वेल्ड करते थे। वेल्डिंग ज्वाइंट हमें कैसे मिलता था? मेल्ट मेल्ट करके। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ हीट को यूज कर रहे थे, सिर्फ हम लोग हीट को यूज कर रहे थे, हीट को यूज कर रहे थे, हीट को यूज कर रहे थे। अभिषेक गलत ऑप्शन है। प्रेशर हम लोग किसमें यूज करते हैं? प्रेशर हम लोग यूज करते हैं तुम्हारी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में यूज करते हैं। जो सिर्फ हीट यूज करते हैं वो फ्यूजन वेल्डिंग में यूज करते हैं। और ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, और कल से जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो कास्टिंग को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग क्या चीजें यूज करते हैं? सौरभ गलत आंसर है। करंट हम लोग लो यूज करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। अभिषेक सही आंसर है। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन हमारा डी होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग पूछा है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमें हम लोग क्या करते हैं? हाई करंट यूज करते हैं। हाई करंट यूज कर सकते हैं कितना? 10,000 एम्पियर से लेके 50,000 एम्पियर के बीच में, 50,000 एम्पियर के बीच में हम लोग करंट यूज करते हैं। ठीक है, अब टाइम की बात करता है। टाइम टाइम हम लोग कितने सेकंड के लिए यूज करते हैं? 0.01 सेकंड से 0.1 सेकंड के लिए हम लोग ये करंट को यूज करते हैं। तो हमसे क्या बोला? हाई करंट यूज कर लिया, लेस टाइम यूज कर लिया। हाई करंट और लेस टाइम हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जब हम लोग करंट हाई यूज करेंगे तो हम लोग वोल्टेज कम यूज करेंगे। यहां से हम लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब आज का आपका सेशन यहीं पर एंड होता है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। शेयर करके बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कास्टिंग। और अब आपकी क्लास, जब तक SSC JEE की क्लास कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो आपकी डेली क्लास लगभग डेढ़ घंटे के आसपास चलेगी। क्लास जो आपकी चलेगी सात बजे से लेके आपकी लगभग साढ़े आठ तक क्लास चलेगी डेली, जब तक SSC JEE की क्लास हमारी कंटिन्यू नहीं होगी। क्योंकि अभी SSC JEE का कल एग्ज़ाम हुआ है, अभी सिविल वालों का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद कुछ प्लानिंग होगी। SSC JEE की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट होंगी 2020 के लिए। उससे पहले जब तक नहीं हो रही, तब तक आप लोगों का सिलेबस कवर करवा दिया जाए। तो कास्टिंग का सेशन जो भी सेशन चलेगा, जब तक SSC JEE की क्लास कंटिन्यू नहीं हो रही है, ये डेढ़ घंटे की चलेगी। कल से हम लोग टॉपिक कास्टिंग उठाएंगे और कास्टिंग जल्दी से कोशिश करेंगे। ऋतुराज क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, बट यार सिलेबस देख रहे हो, प्रोडक्शन कितना बड़ा सब्जेक्ट है और पेपर में कितना कम टाइम है। मेरी कोशिश ये है कि अभी जब तक जितना ज़्यादा टाइम मिला हुआ है, इतने टाइम में तुम्हारा कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि दीपावली से पहले पहले आपका प्रोडक्शन में कास्टिंग और मेटल कटिंग और कंप्लीट करवा दूँ। कास्टिंग और मेटल कटिंग और कास्टिंग कंप्लीट करवा दें। ठीक है, ये इस कोशिश में है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करो, क्योंकि एक घंटे का टाइम मिल रहा है। अब वो 2 घंटे मिले हैं, तो डेढ़ घंटा पौने दो घंटा पूरे टाइम के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग उस अपने क्लास को
स्पैन को लंबा कर लेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि 4 से 5 दिन में तुम्हारा थ्योरी पार्ट कास्टिंग का कवर कर दें, क्योंकि बेल्डिंग में चीज़ें थी ज़्यादा चीज़ें समझाने वाली थी, कास्टिंग में इतना कुछ बेल्डिंग की तरह समझाने वाला नहीं है, समझाने वाला तो है बट लिखवाने वाला नहीं है, डायग्राम बनवाने वाला नहीं है, ये चीज़ें बस याद रखना। और थोड़ा सा अब तेज़ पढ़ाएंगे कास्टिंग को, और कास्टिंग को तेज़ पढ़ने के लिए तेज़ पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ तो ये कर लेंगे, ये कास्टिंग का सेशन हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन का ऐसा हो सकता है, जब तक अगर टॉपिक नहीं कंप्लीट है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन से टॉपिक करते रहोगे ना तो उसी के अराउंड घूमते रहोगे, अगर तुम्हारे 3 टॉपिक हो जाएंगे, तुम्हारा कास्टिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, ठीक है, या वेल्डिंग हो गया, या 2 टॉपिक हुए कास्टिंग और वेल्डिंग, जब दोनों टॉपिक को क्लब करके क्वेश्चन करोगे ना तब क्वेश्चन करने में मजा आएगा, क्यों, एक क्वेश्चन कास्टिंग का पढ़ रहे हो तो दोबारा तुम्हारा दिमाग जाएगा कहाँ, बेल्डिंग में, अगला क्वेश्चन बेल्डिंग का आ गया, फिर बेल्डिंग कर रहे हो फिर कास्टिंग में जाएगा, अभी बेल्डिंग करते हो तो क्या रहता है दिमाग में, बेल्डिंग सेट रहता है, और पेपर कैसा आएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है एफएम से तो दूसरा सोम से, फिर तीसरा टोम से, फिर प्रोडक्शन से, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उससे बेटर है तुम एक दो सब्जेक्ट और कर लो, उसके बाद क्वेश्चन क्लब करा के कराते रहेंगे। और जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग हमारी और सर की, धर्मवीर सर की यही है कि आगे चल के आप लोगों के लिए पर डे का एक सेशन सर टेस्ट लेंगे और एक सेशन टेस्ट मैं लूँगा, ठीक है, मतलब सर के स्लॉट में सर अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे दीपावली के बाद से, होप सो, और मतलब लगभग 20-22 दिन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लेंगे, 20 से 25 दिन के आसपास आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, हर एक सब्जेक्ट को क्वेश्चन के थ्रू, जो सब्जेक्ट आपका रह जाएगा ना क्वेश्चन के थ्रू, जैसे अभी हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा हो SSC JEE का पेपर, जिसने भी दिया होगा मटेरियल साइंस, ने एक बच्चे ने मेरे पास PDF सेंड की है, एक क्लास से सिर्फ एक शिफ्ट में, उस बच्चे का 27 तारीख को पेपर था, 27 तारीख को सेकंड शिफ्ट, 13 क्वेश्चन, एक क्लास से 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, थैंक यू।